वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर विवाद बयान दिया है। उन्होंने कहा आज तक से खास बातचीत में कि अगर सुरक्षा बलों पर जम्मू कश्मीर में हमले होते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कश्मीरी युवाओं से भी अपील की कि हिंसा की राह पर सिर्फ हार ही हार है। देखिए आज तक से अरुण जेटली की एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे साथ खास बातचीत में है केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी। अरुण जी, जम्मू अमृतसर दोनों ही आपके लिए खास जगह हैं जहां से आज आपने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, लेकिन एक बुरी खबर यह आई कि आज भी श्रीनगर में जब तिरंगा यात्रा चल रही थी तो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई और एक आदमी की मौत हुई। देखिए एक बात स्पष्ट है कि जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, उसको हम लोअर नहीं कर सकते। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ बाहर की ताकतें पड़ोसी देश की और उनके समर्थन के साथ कुछ देश के भीतर के लोग भी वो आतंक का सहारा लेते हैं और आतंक का सहारा लेकर उनका विशेष टारगेट पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस रही है। और एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में आ जाना और उसके बाद अगर सुरक्षा फोर्सेस हावी हो जाएं तो फिर जनता में जाके कहना कि हमारे साथ अन्याय हो गया। अब अंग्रेजी की एक कहावत है कि those who live by the gun perish with it। अब जो लोग तलवार या बंदूक के दम पर राजनीति करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका एक असर उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो मैं तो ये अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे देश के नौजवान हैं जो इस गलत रास्ते पे आए हैं उनको इस भटकते हुए रास्ते से अलग हटना चाहिए, इसमें केवल उनकी हार ही हार है। लेकिन अरुण जी 45 दिन आज पूरे हो चुके हैं जो पूरा वायलेंस चल रहा है, कर्फ्यू बीच में हटता है फिर चलने लगता है, आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन जो है वो निकलने में मुश्किल? सोल्यूशन संविधान के दायरे में तो हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कम फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन वो तब हो सकता है कि अगर सामने वाला आक्रमण ना करे। अगर सामने वाला आक्रमण करता रहेगा वो शांतिपूर्ण रहेगा तो स्वाभाविक है कि पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो हथियार लेकर आएंगे, बारूद लेकर आएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेंगे या हजारों की तादाद में आकर पत्थर मारेंगे तो ये तो एक आक्रमण होता है और उस आक्रमण से अपने आप को बचाना और देश की सुरक्षा को बचाना ये सुरक्षा एजेंसीज का काम रहता है। आपने पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की चीज कर रहा है, अभी आपका कहना था कि अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों में से आपको क्या लगता है डेंजर किस तरफ ज्यादा? देखिए एक वर्ग तो है जो अलगाववाद में गुमराह हुआ है और उनमें से चंद एक नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने हिंसा और आतंक का सहारा लिया है। अब इनमें से बहुत बड़ी मात्रा में है जिनको हथियार पाकिस्तान से आता है, जिनकी ट्रेनिंग वहाँ से होती है, जिनको पैसा वहाँ से आता है, इसके तो पिछले कुछ दिनों में सबूत भी आए हैं। और इसलिए स्वाभाविक है कि ये दोनों मिलकर इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो हल है कि सेपरेटिस्ट और हिंसा करने वाले आतंकवादी को हम आइसोलेट करें और आम जनता जो है कश्मीर घाटी की उसके जनजीवन की सहूलियत और आराम बढ़े उसको हमदर्दी से हम लोग देखें। पब्लिक को तो हमें अपने साथ रखना पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर कोई अन्याय हो इसको गुंजाइश भी नहीं कर सकते, लेकिन आतंकियों के साथ कोई हमदर्दी रखे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है कि पॉलिटिकल ही सॉल्यूशन हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की ये प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको लगता है इस तरह के बयानों से नुकसान हो? देखिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो निश्चित रूप से निकलेगा, सिक्योरिटी उस पॉलिटिकल सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। आतंकी मारते जाएं और हम मरते जाएं इससे कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब आतंकवादी को लगेगा कि उसको भी एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है तो तब वो पीछे हटता है। और पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो केवल संविधान के दायरे में हो सकता है, देश की एकता के साथ समझौता करके कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका ना सरकार को कोई मैंडेट है ना उमर साहब को मैंडेट है जब वो मुख्यमंत्री थे।
अरुण जी, अभी बीच में बहुत सारे बयान भी आए कि पीओके में जाके झंडा फहराया जाना चाहिए और पीओके पे ही अब बात होनी चाहिए। आपका भी जो दौरा था पाकिस्तान वाला वो रद्द हुआ, तो पूरी तरह पाकिस्तान पर पॉलिसी क्लियर क्या करना चाहेंगे? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, वो पड़ोसी हैं, पड़ोसी रहेंगे, पर बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। सरकार को ये लगता था, पिछली सरकार को भी लगता था, लेकिन कई बार इतिहास में ऐसे अवसर भी आते हैं कि बातचीत किन विषयों पे होगी ये भी उस रणनीति का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे जो स्ट्रेटजी तय करते हैं वो बहुत काबिल लोग हैं, निश्चित रूप से इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीति तय करेंगे। अभी इस वक्त हम अमृतसर में बैठे हैं अरुण जी, और अब चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी को आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूरी कमान अपने हाथ में पंजाब की संभाली? देखिए, दिल्ली के अतिरिक्त पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है जहां उनकी एक प्रेजेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की जनता वो भूल नहीं करेगी जो दिल्ली की जनता ने की। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जिस प्रकार से दिल्ली का स्थानीय शासन चला है, मतलब शायद इसके कोई उदाहरण पहले नहीं है कि इतनी खराब शासन और सरकार कभी चली हो, इतनी गैर जिम्मेवारान तरीके से चली हो। और इसलिए दिल्ली का अगर लोग उदाहरण देखते हैं तो निश्चित रूप से उससे अलर्ट होंगे। वो तो कहते हैं उनके पास कोई पावर अब है। देखिए, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। जब वो चुनाव लड़े थे उनको तब भी मालूम था ये यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी के अधिकारों की सीमा संविधान में लिखी है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। और यूनियन टेरिटरीज के पास सीमित अधिकार होता है उसके प्रशासन के पास, ये तो संविधान की में लिखा है, ये तो चुनाव लड़ने से पहले भी इनको मालूम होना चाहिए था। लेकिन अरुण जी, इससे पहले जो भी चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे बीजेपी के या कांग्रेस के, कभी इस तरह की टसल देखने को नहीं मिली जैसा केजरीवाल के आते ही हुआ? कारण ये है कि वो लोग संविधान के दायरे में काम करते, वो ऑर्डर पास करते थे, एलजी को भेजते थे, एलजी उसको नोटिफाई करते थे, एलजी के साथ समन्वय करके शासन चलता था, कोई भी रहा हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो। लेकिन संविधान का उल्लंघन करके, मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम हुकूमत चलाएंगे, ऐसा दिल्ली में कभी पहले नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो इस वक्त शिरोमणि अकाली दल के साथ पैक्ट चल रहा है उससे फायदा होगा आने वाले? देखिए, मुझे लगता है कि अकाली दल का और बीजेपी का जो संबंध है वो राजनीतिक नहीं है, वो राजनीति से भी आगे जाता है। पंजाब में इस दौर में हमने आतंक भी देखा था 80 और 90 के दशक में। अकाली बीजेपी गठबंधन पंजाब में एक शांति का संदेश लाता है, एक कम्युनल हार्मनी का, भाईचारे का संदेश लाता है, वो एक सोशल कॉम्बिनेशन भी है। और पंजाब के हित में वो सोशल कॉम्बिनेशन एक ताकत के साथ बना रहे, इसकी आवश्यकता है। पंजाब में दोनों समुदाय बड़ी मात्रा में हैं और इसलिए ये गठबंधन राजनीति के फ्रंटियर्स को डिफाई करता है। सिद्धू फैक्टर को आपको लगता है कुछ? देखिए, मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में ज्यादा, क्योंकि वो कहाँ है, क्या है, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। अंतिम सवाल है अरुण जी, आज जो नाम भी सामने आया जिसका इतने दिनों से इंतजार था आरबीआई गवर्नर के लिए, तो आपको लगता है कि राजन को लेके जिस तरह की बातें चली, कुछ हद तक विवाद भी हुआ और फिर वो सुलझा भी विवाद, अब जो नए गवर्नर चुने गए हैं वो उन सबको हटा करके इन्फ्लेशन पर काम कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सरकार का संबंध है और मेरा संबंध था, डॉक्टर राजन को लेकर कोई भी विवाद नहीं था। एक जो कंसल्टेशन प्रोसेस और समन्वय आरबीआई गवर्नर और सरकार के बीच में रहना चाहिए, जो एक आदर का संबंध रहना चाहिए, वो सरकार का और डॉक्टर राजन के बीच में था। और मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत बेखूबी से अपना वो जिम्मेवारी निभाई है। अब उनकी ये चॉइस थी कि वो वापस एकेडमिक्स में जाएं, और डॉक्टर उर्जित पटेल बहुत काबिल अर्थशास्त्री हैं, मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई का भी उनको अनुभव है, अलग अलग कैपेसिटीज में काम करते रहे। और मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि इन्फ्लेशन को कंटेन करना और उसके साथ साथ उनकी सहायता के लिए अब तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होगी, और उसके साथ साथ देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देना,
निश्चित रूप से उसमें वो भूमिका निभाएंगे। एक चीज जो और अरुण जी मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का इस बार जो भाषण था उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था, जिसको लेके अब अलग अलग बातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी इस वक्त जरूरत थी जब पाकिस्तान कश्मीर इन सब पर बात हो रही थी तो बलूचिस्तान की बात कर? कुछ बयान रणनीति के तौर पर दिए जाते हैं। पाकिस्तान जब अपनी संसद के माध्यम से और अपने नेतृत्व के माध्यम से भारत के आंतरिक विषयों में टिप्पणियां करता है तो उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का अंग रहती है और प्रधानमंत्री जी ने इसको बेखूबी से किया है। आने वाले दिनों में हम कुछ देखेंगे कि आगे इस पर आगे क्या स्थिति बनती है, उस पर निर्भर होगा। तो अरुण जेटली जी जिन्होंने काफी चीजों पर, चाहे वो आरबीआई गवर्नर की बात रही हो या कश्मीर पर सरकार की नीति की बात रही हो, बहुत बेबाकी से सभी जवाब दिए। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पाराशर, अमृतसर आज तक।